तो कहते हैं फरवरी में करें, लेकिन हमें हक बनता है बोलने का। उमर साहब को कोई टाइम देने का हक नहीं है, क्योंकि जब म्यूनसिपल इलेक्शन थे वो तो बोलते थे मैं लड़ूंगा ही नहीं, जब तक जनवरी में आर्टिकल 35 ए का कोर्ट में क्या होता है तब तक फैसला नहीं आएगा। अब दो बातें हैं, या उमर अब्दुल्ला साहब उस दिन झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। अब वो तय करें कि वो उस दिन झूठ बोल रहे थे जब वो लिंक कर रहे थे इलेक्शंस को 35 ए के साथ, या वो आज झूठ बोल रहे हैं। हमारा मानना है कि फरवरी में करो, वाई वेट अंटिल आफ्टर पार्लियामेंट। जितना जल्दी लोगों की हुकूमत आती है उतना अच्छा है, बट विद अ कैवियट कि हम बोलेंगे बिकॉज वी पार्टिसिपेटेड देयर। उन्होंने तो बाइकआउट किया था ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड ऑफ 35 ए, वेयर इज दैट गॉन? अभी तो सुनवाई ही नहीं हुई। लेट हिम डिसाइड व्हेन ही वाज लाइंग सो दैट एटलीस्ट पीपल नो व्हाट देयर स्टैंड इज ऑन सच इश्यूज। कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा, न रीजनल पार्टी के साथ न नेशनल पार्टी के साथ। वी विल फाइट ऑन ऑल 87 सीट्स। जस्ट वेट फॉर द कमिंग स्पेस, कमिंग टाइम में आके आप देख लें। काफ़ी लोग इस कारवान में शामिल हो रहे हैं, नए लोग भी जो न्यू टू पॉलिटिक्स हैं, और पुराने भी जिनके पास एक्सपीरियंस है। द ब्लेंड ऑफ द टू, वेदर इट इज़ पीर पंचाल, वेदर इट इज़ जम्मू रीजन, चनाब, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, लद्दाख हो, करगिल हो, आप जल्दी देखेंगे वी विल आवर कैंडिडेट्स इंशाल्लाह विल बी ऑन ऑल 87 सीट्स। आई ऑनेस्टली थिंक दैट एट दिस एज फारूक साहब नू शुड नाउ स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। इससे पहले भी जब उनके पास 62 मेंबर थे 1996 के इलेक्शन में, जो कि सिलेक्शन थी, इलेक्शन नहीं था, 62 के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जिसका कोई जवाब नहीं आया, ना उनने तब इस्तीफा दिया, ना उमर अब्दुल्ला साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में तब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीजेपी वाली मिनिस्ट्री में थे, उनने भी इस्तीफा नहीं दिया। जब उनकी अलहदगी हुई, एटलीस्ट ठीक है यार, मे बी यू डोंट एग्री विद अस, लेकिन ये तो बोल दो कि जब अलहदगी हुई तब बीजेपी के साथ, वो इस बात पर नहीं हुई कि इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस बात पर हुई कि फारूक साहब को बकौल उमर अब्दुल्ला साहब के तब का बयान है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट उनके लिए मुकर्रर किया गया था और उनका कहना था वो मुकर गए। वो रेजोल्यूशन का क्या हुआ? हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे किसी भी रेजोल्यूशन को, बट एक कंडीशन है। सबसे पहले देयर शुड बी अ वाइट पेपर ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, कि इरोजन्स किसने की, किस पार्टी का क्या रोल था। नंबर टू, 1987, 1996 और 2002 के इलेक्शन, इन पर वाइट पेपर। 1987 इलेक्शन के बाद अगर मिलिटेंसी आई, अगर 1984 में साजन कुमार एक मॉब को लीड कर रहे थे और कल उनको उम्र कैद लगी, यहां क्यों नहीं किसी को उम्र कैद लगी? इधर भी तो आज तक 1,00,000 लोग गया, क्या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? 87 का क्लोजर कभी नहीं होगा। और तीसरा हमारा है एंटी करप्शन, कि सबका, हमारा भी देखे, इनका भी देखे, सब पॉलिटिशियंस का देखे कि उनका मींस ऑफ इनकम क्या था पिछले 20 साल, 30 साल और 40 साल से, और आज उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इन तीन चीजों पर। बट व्हेन इट कम्स टू ऑटोनॉमी, वी 100% विल सपोर्ट। रेजोल्यूशन क्यों, बिल ही पास कर दे, व्हाट इज रेजोल्यूशन? बट ऑन वन कंडीशन, लेट अस सी हु इरोडेड इट फर्स्ट, सो दैट वी कीप द इरोडर्स अवे। ऐसा ना हो कि जिनने इरोड की हो वही आज ऑटोनॉमी का नारा दे रहे हो। सो इट इज हुडूकिंग द पीपल। इरोड इन्होंने किया है, सब कुछ उन्होंने किया है। सो अगेन, वंस अगेन, लाइंग टू पीपल, टोटल झूठ। अब कमलनाथ ने लोन वो वेवर कर दिया, इसने बोला हम भी करेंगे, जब आएंगे पहले फिर देखते हैं। हमारे लिए क्या, इट्स अ समथिंग एज अ ह्यूमन बींग, ह्यूमैनिटी, फॉरगेट पॉलिटिक्स, दे आर अमंगस्ट अस। जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन होता है, दे शुड लुक एट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ये मैंने ही बोला जो बाद में दिल से आवाज़ आई, कि अगर 3 मिलिटेंट मारने के लिए 7 सिविलियन मारने पड़ते हैं, तो देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। या अगर 14 साल का बच्चा, जो कि माइनर है, और हमारे ICPS रूल्स के तहत अगर माइनर है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज होल्डिंग इन हिज हैंड। सो इफ यू नो देयर इज अ माइनर, यू कॉल ऑफ द ऑपरेशन। ऐसी क्या कि नहीं आज ही, अभी, इसी वक्त करना, उसमें तो बिल्कुल आवर स्टैंड इज क्लियर ऑन दैट। उसमें तो कोई देयर इज नो कन्फ्यूजन ऑन दैट।